हाय एवरीवन, इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का यूजर आईडी, यूजर नेम और कंज्यूमर आईडी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का पासबुक ओपन करेंगे और सबसे पहला पेज में आप देखेंगे अकाउंट नंबर के ऊपर में सीआईएफ आईडी, जिसका फुल फॉर्म है कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल। मीन्स इस आईडी से आपका सारा डाटा बैंक ओपन कर सकता है। तो जब आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो यही सीप आईडी यूजर आईडी होता है, और जब आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यही सीप आईडी यूजर नेम कहलाता है। और जब आप बैंक जाते हैं या पोस्ट ऑफिस के किसी भी फॉर्म में आपको जब भरना होता है तो वहाँ पे कंज्यूमर आईडी लिखा रहता है, तो आपका सीप आईडी ही कंज्यूमर आईडी है। तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न था इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में कि यहाँ पे कंज्यूमर आईडी क्या है, यूज़र नेम क्या है और यूज़र आईडी क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीप आईडी ही सब कुछ है। यूज़र नेम, यूज़र आईडी, आपका कंज्यूमर आईडी भी है, ये सभी चीज़ एक ही है। वो है सीप आईडी, जो कि आप अपने पासबुक के फ्रंट पेज में देख सकते हैं। यहाँ पे यही सीप आईडी सब कुछ है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। अपना ख्याल रखें।